नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार DST कार्यालय प्रचारी का अभी तक कोई एग्जाम डेट नहीं आया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इसका एग्जाम डेट कब आने वाला है और क्या कुछ नई सूचना जारी की गई है बिहार DST के द्वारा, उसको हम जानेंगे। और अन्य भर्ती की सूचनाएँ पाने के लिए हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर भर्ती की सूचना आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज बिहार DST कार्यालय प्रचारी की जो नई सूचना जारी की गई है उसको जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि बिहार DST का ऑनलाइन पोर्टल खुल चुका है और इस पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां से आप लोग आकर अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कैसे स्टेटस चेक करना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप लोग जान पाएंगे कि आखिर किस प्रकार आप अपने अप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक कर पाएंगे। अब बात करते हैं तो आज की जो नई सूचना जारी की गई है वो अखबार के माध्यम से जारी की गई है, जिसमें इसका क्या कुछ आगे होने वाला है प्रोसेस उसके बारे में बताया गया है। अभी तक कितने लोग आवेदन किए हैं, कब इसका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, कौन एग्ज़ाम लेगा, आखिर कब तक इसकी सारी प्रक्रिया ख़त्म होगी, उसका सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है अखबार के माध्यम से। आर्टिकल के थ्रू छपा है जो कि कार्यालय प्रचारी या बिहार DST ने जारी किया है। तो चलिए आज के अखबार के थ्रू जानते हैं कि क्या कुछ इन्होंने जारी किया है कार्यालय प्रचारी के भर्ती के लिए। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किया गया है। परिचारक का जो भी कार्यालय प्रचारी के लिए अप्लाई किए थे उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न जारी कर दिया गया है, बस एग्ज़ाम भी अब कुछ ही दिनों में कंडक्ट होगा, उसकी भी जानकारी यहाँ दी गई है। पहले ये जानते हैं कि आखिर क्या कुछ जारी किया गया है उसको जानते हैं। तो देख सकते हैं कि ऊपर लिखा गया है कि अब 10वीं के अंकों के आधार पर नहीं बल्कि लिखित परीक्षा से होगी कार्यालय परिचारी का चयन। जैसा कि मैंने अगले वीडियो में बता रखा था और BSSCB ने जारी किया था कि अब कार्यालय प्रचारी का जो भी भर्ती होगा वो आपका 10वीं के अंक पर नहीं बल्कि अब परीक्षा के आधार पर होगा। इसको हम लोग पहले भी जान चुके हैं, पर आज क्या कुछ जारी किया गया उसको एक बार देखते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST की ओर से कार्यालय प्रचारी पद पर चयन अब लिखित परीक्षा से होगा। इसके लिए विभाग ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC को अधिकृत किया है। परिचारी के लिए 238 पदों के लिए करीब 3,46,777 अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन दिया था। पहले घोषणा की गई थी कि परिचारी का चयन 10वीं के अंकों के आधार पर होगा। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 40,000 से कम आवेदन होने पर साक्षात्कार होता है, पर यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 40,000 से कई ज़्यादा यानी लाखों में 3,46,777 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं अब तक। तो इसका तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम लेना चाहिए, पर अभी तक बहुत लेट हो चुका है। 2 साल करीब होने को है पर इसका अभी तक एग्ज़ाम डेट नहीं निकाला है, पर परीक्षा का पैटर्न जारी कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम डेट भी निकालेगा। और आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, ताकि इसका कोई भी जानकारी आए तो आपको तुरंत मिल सके। और यहाँ पर चलिए देखते हैं अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो ऊपर यहाँ पर लिखा गया है अगले आर्टिकल में कि आवेदन की छटनी के क्रम में पाया गया कि मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र के आधार पर 3 गुना सर्वोच्च अंक पाने वाले अभ्यर्थी की सूची तैयार करने में कठिनाइयां हैं। प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया वर्षों तक चलने वाली बन जाती है। इसी को देखते हुए DST में चयन का आधार लिखित परीक्षा को बनाया है। परीक्षा पाठ्यक्रम का निर्धारण बिहार SSC करेगा। तो दोस्तों, अब इसका जो नया पैटर्न है चेंज किया है, तो इसमें तो समय लगेगा ही लगेगा। यानी पहले प्रक्रिया कुछ और थी, अब एग्ज़ाम के थ्रू इन्होंने जारी किया है कि भर्ती करेंगे, तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें वर्ष लगेंगे, समय लगेंगे। अब देखिए कि इसका क्या कुछ अभी जारी किया जाता है, पर अब जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो देख लीजिए दोस्तों कि लिखित परीक्षा का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि मैट्रिक के स्तर पर होगा। और मैट्रिक स्तर के कुल 95 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं लिखित परीक्षा में किसी ने 60 सही उत्तर दिए तो उसका प्राप्त अंक यहाँ पर देख सकते हैं कि 60 गुने
0.95 इजकल टू 57 दिया गया है। इसी आधार पर मेधा सूची बनाई जाएगी। दूसरी ओर विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृष्टिकरण परियोजना के तहत चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के रूप में मनोनीत किसी कर्मी को जितने वर्ष का अनुभव होगा वह उसके प्राप्तांक उसमें जुड़ेंगे, यानी जिसका स्किल हुआ है, स्किल कोर्स कर चुके हैं, उनको भी यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा। तो इस प्रकार कुछ आप सभी का निकाला गया है एग्जाम पैटर्न। तो आने वाले समय में इसका जो परीक्षा तिथि है उसको भी देख पाएंगे, जान पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी को फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अभी तक आपने अपना एप्लीकेशन स्टेटस नहीं देखा है तो उसको मैंने एक वीडियो के माध्यम से बता रखा है कि कैसे आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखना है, उस वीडियो को देखिए और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का, वहाँ से जाकर आप लोग अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं और लगातार देखते रहिए। उसमें भी अगर रिजेक्ट होता है फॉर्म तो आपको रिजेक्ट दिखा दिया जाएगा, अन्यथा आपका वाई उस पर लिखा हुआ होगा। तो अभी इसका जो भी अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भर्ती से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।